हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम रावत गार्डनिंग विद बुलबुला में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड, मैं आज नर्सरी विजिट के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग की है, जो शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 5 इंची का पॉट है, जो कि 24 पॉट हैं। ये मुझे 12 रुपये ईच पड़ा है प्लांटर। और ये 2 छोटे छोटे पैकेट मैंने नीम खली के लिए हैं, जो मुझे 30-30 रुपीज़ ईच पड़े हैं। और ये 4 पौधे मैंने हिबिस्कस के लिए हैं, ये पिंक हिबिस्कस है। और चारों ही पौधे हाइब्रिड हैं, चारों ही पॉट में लगे हुए हैं। और ये पिंक हिबिस्कस में जो ये ब्रांचेज हैं, ये बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं। इनकी तो कटिंग करके दूसरा पौधा भी तैयार हो जाएगा बरसात में। ये रेड कलर का है और ये प्लेन येलो कलर का है। और जो ये आप देख पा रहे हो, ये पिंक येलो वाला, इसके बीच में एक रेड कलर का डॉट है, ये भी बड़ा सुंदर फूल है इस पे भी। और ये 2 पौधे जो मैंने लिए हैं, ये गंधराज के पौधे हैं। इनकी जो बड़ है वो, और ये इस बड़ से जो फूल खिलेगा वो पूरे 5-6 दिन तक पौधे पे टिका हुआ रहता है। मगर इस पौधे को फुल सनलाइट चाहिए होती है। अगर इसे हमने थोड़ा भी सेमी शेड में रखा तो ये अपनी कलियाँ ही झाड़ देता है, फूल तो खिलता ही नहीं है। और ये 2 पौधे मैंने अरेलिया के लिए हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी का अरेलिया है। तो ये 2 हैं और पॉली बैग में लगे हुए हैं, तो मैं इनको एक ही पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये पिंक सिंगोनियम है मेरा, जो कि पॉट में लगा हुआ है। और ये ग्रीन सिंगोनियम है, ये दोनों पॉट में ही लगे हुए हैं। और मैंने इन दोनों को पॉट विद पॉट 60 रुपीज़ में लिया है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि आपके शहर में ये पौधे कितने प्राइस में मिलते हैं। लगभग पौधों का जो प्राइस है वो लगभग सब जगह सेम ही होता है, मगर कुछ पौधे थोड़ा महंगे सस्ते हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये नर्सरी विजिट कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स।